एक तरफ देश में चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है, तो वहीं आने वाले चरण के लिए भी प्रचार अब जारी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले तो झारखंड के कोडरमा में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां पीएम ने कहा है कि तीन चरण के बाद विपक्ष बौखला चुका है, चार चरण के बाद इनका जो समय है वो खराब रहने वाला है और चारों खाने ये चित हो जाएंगे। चौकीदार झारखंड के देश के चप्पे चप्पे की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना है। कांग्रेस और महामिलावटियों के राज में यहां क्या स्थिति थी वो भी याद करिए। यहां उमाचरण साहू जी बैठे हैं, कैसे इनको नक्सलियों के डर से अपना गांव तक छोड़ना पड़ा था। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनका जीवन, जिनके सपने हिंसा ने तबाह किए हैं। लेकिन साथियों, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। डर के कारण जो गांव सूने हो गए थे वहां लोग अब लौटने लगे हैं। जिन गांवों में कभी लाल आतंक दिखता था वहां अब दुधिया बल्ब की रोशनी पहुंच रही है। बात चाहे पाकिस्तान के आतंकवादियों की हो या फिर घर में छुपे गद्दारों की, आपका ये चौकीदार किसी को नहीं छोड़ेगा। ये चौकीदार किसी को नहीं छोड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, ये तय है कि जहां से भी हमें खतरा होगा वहां हम घुस करके मारेंगे।